हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ही हो, भले चंगे हो। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सभी का हमारे चैनल सियाराम चैनल मिक्स वीडियो टेक्निकल में। तो गाइस देखिए, ये मैंने बंद गोभी ली है। आपको ना जाना पड़े दुकान पे और आप कहीं से ना लाएं और घर से ही अपने हाथों से सीड्स बनाएं सब्जी का, बीज बनाएं अपने आप हाथ से। इस तरह से देखिए, जिस तरह से मैंने ले रखी है, फ्रिज में रखी थी और 15 दिन हो गए हैं इसे। तो 15-16 दिन रखे रखे इतने भी नहीं हुए हैं, शायद इसे 10-12 दिन ही हुए हैं। तो देखिए, इसमें ऊपर मैं दिखा दूं, देखिए जिधर से पहली कटी हुई है ये पत्ता गोभी, उधर से इसमें से जड़ निकलनी चालू हो रही है छोटी छोटी। आपको साफ नहीं चमक रही है, बट थोड़ा सा आप पहचान लीजिए जहाँ मेरी उंगली लग रही है, यहाँ पे मेरी फिंगर के नीचे, और यहाँ ये जड़ हैं जिसे मैं इन जड़ों को नीचे लगाने वाली हूँ मिट्टी में। तो देखिए, इस तरह से आप बीज बना सकते हैं गाइस। इसे मैं ऐसे ही लगा दूंगी, आप चाहें तो काट के भी बीच में से लगा सकते हैं दो टुकड़ों में वो करके। तो और मेरे पास खाली गमला था नहीं, तो मैंने सोचा कि इसके जो पत्ते हैं, ये टमाटर का पेड़ बढ़िया चल रहा है और इसके पत्ते जो हैं पीले हो रहे हैं, तो इन्हें मैं निकाल दूंगी। और इसे थोड़ी सी धूप भी हल्की सी लगनी ज़रूरी है, और मिट्टी हमारी गीली है ये, और इसमें इस तरह से मैं लगा दूंगी पत्ता गोभी की जड़ जो जमी हुई है ये, यहाँ मैं लगाने वाली हूँ इसे। मैंने पत्ते निकाल दिए काट के टहनी अपने टमाटर के पौधे पे से, तो मैं टमाटर का पौधा भी दिखाने वाली हूँ कितना सुंदर हो रहा है ये। आप कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिएगा, आप देख के बिल्कुल इंटरेस्टिंग हो जाएंगे सभी बहन और भाई जो किचन गार्डनिंग का अपनी छोटी सी छत पे है, फिर जितनी भी जैसी भी आपकी छत है छोटी बड़ी आप शौक रखते हैं, तो आप ज़रूर करने की सोचेंगे ये जो मैं दिखा रही हूँ आपको। तो देखिए, मैं यहाँ लगा दूँगी इसे इस तरह से, जिधर से मैंने अब काटी है ये पत्ता गोभी, उधर से मैं ऊपर रहने दूंगी। और ये नीचे से पहली खेत की कटी हुई है, यहाँ ये मेरे पास बाजार की आई थी और मैंने पहले भी सीड्स बनाया था, मैंने फूल गोभी का सीड्स बनाया था पहले। इसी तरह से गाइस बिल्कुल आप फ्रीज में रख दीजिएगा और 10 से 12 दिन में आपकी गोभी की जो जड़ है या फिर कोई भी है सब्जी, तो वो जर्मिनेट हो जाती है और फिर वो उसकी रूट सी इस तरह से निकल जाती है जैसे मैंने ज़रा ज़रा सी दिखाई है आपको। तो आप फिर उसे मिट्टी में अच्छे से लगा सकते हैं। ध्यान रहे फ्रेंड्स, बिल्कुल भी जो मिट्टी में आप लगा रहे हैं उस जगह जड़ नहीं होनी चाहिए दूसरे पौधे की। यहाँ इस जगह है नहीं जड़, अलग है ये टमाटर के पौधे की। और मैंने छोटी एक गिलासी पानी दे दिया इसमें अब, और इसे मैं ना ही तो डायरेक्ट धूप आनी चाहिए, सनलाइट डायरेक्ट तकड़ी नहीं आनी चाहिए, यहाँ ना ही तकड़ी सनलाइट आती है ना ही तकड़ा सूरज यहाँ लगता है, देखिए धूप, और ना ही ज़्यादा छाँव रहती है, बस मीडियम सा ही मौसम चाहिए इन्हें टेम्परेचर। तो ये मैंने पत्ता गोभी थी, इस पे से काट के मैं ले गई थी, 10 से 12-13 दिन की रखी थी फ्रिज में। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो के नीचे लाल बटन है उसे काला करें, बेल आइकन की घंटी प्रेस करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें गाइस। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है सीखने के बाद, तो जानना चाहते हैं आप इस बारे में, और कौन सी सब्जी कौन से महीने में लगानी चाहिए, कौन सी डेट में लगानी चाहिए, तो आप हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ में, और हम आपको नंबर देंगे वीडियो के माध्यम से, हम आपको बताएंगे। और आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं इस बारे में, हम काफ़ी दिनों से काफ़ी सालों से कर रहे हैं, तो हमें इस बारे में थोड़ी जानकारी है, तो हम आपको भी बताएंगे और हम अच्छे से बताएंगे आपको। धन्यवाद।